हेलो राधे राधे, आज मैं आपको बहुत घेर वाला स्कर्ट प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी और मैंने ट्राइपॉड यूज नहीं किया है क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, तो ऐसे ही टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोचे खाली बैठने से क्या फ़ायदा, चल थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं। तो ये 2.5 मीटर डबल लार्ज का रियोन का कपड़ा है। अब मैं इस राउंड का 4th पार्ट निकाल कर निशान लगा रही हूँ। 10 इंच पे निशान लगाकर 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच का निशान लगा लिया और गोलाई दूंगी तो 1/2 इंच बढ़ जाएगा। और आप भी अपने हिप्स का 4th पार्ट निकाल कर 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रख सकती हैं। रिवन का कपड़ा है और इसको समोसा स्टाइल में मैंने फोल्ड कर लिया और अब ये कोने की साइड से मैं लूंगी 11 इंच। ये मैंने 11 इंच ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा नीचे से गोलाई दूंगी तो 11.5 इंच का हो जाएगा। और फिर आप चौक से इस तरीके से निशान लगा लें। और ये आसन का मैंने 5.5 इंच लंबा लिया है और ऊपर बेल्ट अलग से लगाऊंगी। ये मैंने 5.5 पे निशान लगा लिया और लंबाई ली है 32 इंच और इसमें मैं 9 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। 0.5 इंच सिलाई में दब जाएगा और बाकी 2 इंच ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से 13 इंच का आसन हो जाएगा ये। और ऊपर ये बेल्ट लगाऊंगी इसलिए आपको ऐसे रख कर दिखा, इंची टेप बेल्ट अलग से कटिंग होएगी बेल्ट की। और इधर से ले लूँगी मैं 2.5 इंच। तो चलिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसको आसन को गोलाई दे देती हूँ और फिर मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं एक बार निशान लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आसन का निशान लगा लिया है और गोलाई भी दे दी है और ये मैं इंची टेप रख कर आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे लगाया मैंने 2.5 इंच पे और फिर गोलाई देकर इसको गोल कर दिया आसन को। इस तरीके से गोलाई दी है। ये वीडियो में आपको मैं चौक से दोबारा निशान लगा कर दिखा रही हूँ। और अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी जहाँ से मैं उंगली रख कर आपको दिखा रही हूँ। और नीचे की साइड भी मैंने गोलाई दे दी है आसन के ऊपर इंची टेप रख कर। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 31 इंच की लंबाई पर ये गोलाई दी है। आप 32 जितना भी लंबा रखना चाहें, 34, 36 पे अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। तो ये मैं निशान लगा चुकी हूँ और अब मैं कर दूँगी कटिंग। और आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो में कटिंग भी मैंने दिखाई है। अगर इंची टेप या नापने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप वीडियो में देखकर अपने कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। और अब मैं इस अम्ब्रेला कट स्केल्ट के लिए बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। 9 इंच चौड़ी बेल्ट लगाऊंगी। लंबाई आप स्केल्ट के और कमर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए अब इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ मैं और फिर मैं सिल लूँगी, तब आपको पूरी डिटेल मैं भी बता दूंगी किस तरीके से बेल्ट में जॉइंट लगाया और कहाँ पे जॉइंट लगाया, वो सब भी आपको दिखा दूंगी वीडियो में। लीजिए बेल्ट की भी कटिंग कर ली है मैंने। और
और इसको सिल के मैं दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में। और यहाँ पे लगेगी ये बेल्ट, इसमें थोड़ा सा पार्ट और ज्वाइंट होगा, वो मैं सिलते हुए ज्वाइंट कर लूँगी इसमें। और इस तरीके से लगेगी ये बेल्ट। और ये बहुत घेर वाला स्कर्ट प्लाजो दिख रहा है। और ये स्कर्ट वाले प्लाजो वगैरह रिवन वाले कपड़े के ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।